सरकार की हिसाब लिया जाए, जनता हिसाब लेना चाहती है और सरकार को हिसाब देने का नैतिक जिम्मेवारी है। आज झारखंड की 3.25 करोड़ आवाम के मन में ये भावना है कि मेरे साथ छल किया गया है, मेरे साथ मुंगेरी काल के हसीन सपने दिखा करके महागठबंधन के लोगों ने झारखंड के मान सम्मान और सहवाद को जीतने का काम किया। हम कह सकते हैं कि ये जनता के अरमानों के साथ उदारघात करने वाली सरकार है। ये फरेब करने वाली सरकार है, फरेबी सरकार है, वंशवाद और परिवारवाद का गठबंधन है। कांग्रेस परिवारवाद वंशवाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा वंशवाद परिवारवाद, आरजेडी वंशवाद और परिवारवाद, और हम कह सकते हैं तीनों परिवारवाद शाही परिवार की तरह झारखंड में व्यवहार करते हैं, जहां पर जनता की भावनाएं, जनता की आकांक्षाएं कौन है और उनका परिवार प्रमुख तंत्र लोकतंत्र में बना हुआ है। वर्ष एक झूठ खसोट हिंसा बलात्कार भ्रष्टाचार अनेक एक वर्ष के काले कारनामों की अगर छोटी सी संक्षिप्त वाक्य में कहा जाए तो हम कह सकते हैं ये सरकार फिर से अगर इसको दोहराते हैं तो वर्ष एक लूट खसोट भ्रष्टाचार बलात्कार और भ्रष्टाचार अनेक इस राज्य में विकास की शून्यता ही नहीं आई बल्कि विकास के बारे में विचार करने का सोच ही नहीं है। हम सब को जानते हैं कि कोरोना से पूरी दुनिया आज त्रस्त है, पस्त है, झारखंड भी उससे अछूता नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी ने इस कालखंड में सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करने का ऐलान किया। हम नितांत आवश्यक लोगों के पास पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मोदी आहार से सेवा का संकल्प जो पार्टी में हम लोग काम करते हैं उसको लेने का जो किया था उसको हम लोगों ने पूरा करने का काम किया। लेकिन राज्य की सरकार की भी जिम्मेवारी संवैधानिक जिम्मेवारी, हम केवल प्रवासी मजदूर के बारे में ये सरकार को अपने पीठ को थपथपाने वाली सरकार है। तो रास्ते में मैंने पोस्टर देखे थे सरकार के बारे में और सरकार के बारे में भी एक साल संघर्ष तो मैंने अभी तक बड़ा कंफ्यूज समझ में नहीं आया कि सरकार संघर्ष किससे कर रही है और उसके बाद वो काम के बारे में मुझे बताती है संघर्ष कर रही है। राज्य की जनता ने उनको तो जनादेश दिया भाई काम करने के लिए, उसको काम करना चाहिए, काम उनको बतानी चाहिए, लेकिन आज भी वो संघर्ष ही कर रही है। तो मैं विशेष तो नहीं, मैं जो मूल जो बातें सरकार से जो आम लोगों को जो उम्मीदें होती किसी भी सरकार तो वो सरकार से लोग अपेक्षाएं जनता करती है वो है अमन चैन राष्ट्र, यानी भय मुक्त प्रदेश हो, ये पहली अपेक्षाएं सरकार से। उसके बाद बाकी सारी चीजें लोगों की आवश्यकताएं जो होती है तो उसके बाद के बारे में लोग सोचते हैं। लेकिन पूरी 1 वर्षों को अगर आप देखें तभी आईटी सेल के लोगों ने दिखाया भी, आप सब लोगों भी उसको दिखाते रहे तो पूरी 1 साल तक हालत ऐसे ही बदल गई। मानो ऐसा लग रहा था कि जब राज्य नहीं बना था 2000 के पूर्व का जो बिहार था या झारखंड जो समय था वो स्थिति। हम उन दिनों को याद करते हैं कि रांची में 7 बजे 8 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती थी,
कोई भी लोग अच्छे गाड़ियां नहीं खरीदते थे डर से भय से कि कब इनको नोटिस तबाह दी जाएगी कि आपको इतना पैसे देने हैं नहीं तो आपको आपकी हत्या कर दी जाएगी। ये उस समय आम बात थी, लेकिन आप जब से इस राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में योगी गठबंधन की सरकार बनी पूरी राजनीति में वही स्थिति है। कई करोड़ों का डॉक्टरों से मांगा जाता है, व्यवसायों से मांगा जाता है, यहां तक कि पिछले दिन आप सबने देखा कि राज्य की राजधानी हो गई मोराबादी मोराधान के बदल में अखबार के ही मालिक थे उनके घरों पर भी हमला हुआ। फिर पिछले दिनों दुमका में आप सब लोगों के ध्यान में आया होगा कि जब एक अपराधी एक व्यवसायी से पैसे मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं जानते कि हमारा संबंध किससे, यानी मुख्यमंत्री के परिवार से जो उनके भाई का नाम तक हो देते, तो यानी अपराध कहां से कहां तक पहुंच गया है, क्या स्थिति है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, चोरी डकैती हत्या अपहरण। जबकि इस कोरोना और लॉकडाउन के समय देश के अन्य राज्यों में अपराध के खिलाफ में कमी आई, लेकिन झारखंड में कमी कहीं कुछ देखा नहीं बल्कि आगे ही बढ़ा। और इस अपराध में सबसे अधिक कोई शिकार हुई तो महिलाएं हुई, एक वर्षों में 1,500 से करीब अधिक की संख्या में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ और उसमें छोटी छोटी बच्चियां वो भी उसके शिकार हुए, उनको हत्या भी कर दी गई। ये बड़ा भयावह स्थिति है। और फिर उग्रवाद की तो मानो इस प्रकार से बाढ़ आ गई। आज चारों तरफ जो क्षेत्र शांत था अब बिल्कुल धीरे धीरे अशांत हो गया। जहां भी विकास का काम थोड़े बहुत वहां चल रहा था तो उसको भी रोक करके गाड़ियों में आग लगा देना, लोगों की हत्या कर देना, ये सारी चीजें बिल्कुल आम हो गई। जो उग्रवादी 2019 सरकार बनने के पूर्व झारखंड छोड़ करके जो इनामी उग्रवादी कहीं भागे हुए थे, आज ये जानकारी मिल रही है कि झारखंड में आकर के फिर से लोग उत्पात। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।